भाइयों और बहनों, ये पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का परिणाम है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही गरीब होती चली। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध है, वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। धान के खेत किसान के परिश्रम से लहलहाते हैं, लेकिन धान को बीमारी से बचाने के लिए सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती। केंद्र सरकार ने तय किया कि धान की फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, लेकिन यहां की सरकार ने खरीदने के इंतजाम ही नहीं किए। किसानों को बिचौलियों के भरोसे छोड़ दिया गया। साथियों, स्थिति ये है कि इस चौकीदार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना बनाई है, यहां की सरकार के कारण उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है क्योंकि यहां की सरकार ने किसानों के नाम की जो लिस्ट भेजी है वो भी आधी अधूरी है, जिसकी वजह से सिर्फ 8.5 लाख किसानों के खाते में ही पहली किस्त जा पाई है। बाकी लिस्ट यहां की सरकार नहीं दे पा रही है। इन लोगों ने खुद जो एक योजना बनाई, उसमें जो घोटाले और घपले हो रहे हैं वो भी आप जानते हैं। भाइयों और बहनों, देश के किसानों को उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये चौकीदार प्रतिबद्ध है, बल्कि हमने तो इसका दायरा बढ़ाने का संकल्प लिया है।